कोरोना से बचाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। तो वहीं शाम 5 बजे सभी देशवासियों ने अपने अपने घरों की छतों, गैलरियों, दरवाजों पर आकर कोरोना वायरस के आतंक के बीच सेवा में जुटे नगरपालिका के स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के प्रति आभार जताने के लिए तालियां, थालियां और शंखनाद किया। देखिए खास रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावद में प्रशासन पूरी तरह अपने कार्य में मुस्तैद है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जा रही। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी अपने कार्य का पालन किया जा रहा है। कसरावद के अकील खान की रिपोर्ट। राहतगढ़ में बैठक में जनता कर्फ्यू और कोरोना के सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर और एडवाइजरी भी BMO द्वारा विस्तार से समझाई गई। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बड़वा नगर में नगरवासी आज सुबह से ही घर से बाहर नहीं निकले, जिसमें बड़वा नगर के MG रोड, इंदौर इच्छापुर मार्ग, महेश्वर रोड, सराफा बाजार, सब्जी मंडी सहित पूरा बाजार बंद रहा। आज सुबह से बड़वा नगर के सभी व्यस्त मार्ग सुबह से ही दुकानें बंद रही। तो वहीं शाम 5 बजे बड़वा नगर के सभी रहवासियों के द्वारा अपने अपने घरों के ऊपर तो कोई घर के बाहर निकलकर ताली, थाली और घंटी, शंखनाद बजाकर सम्मान किया। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। खंडवा जिले के मूंदी में सब अपने अपने घरों में हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जरूरी सेवाएं ही चालू है, बाकी सब सेवाएं बंद है। बहुत ही जरूरी कार्य होने पर ही बाहर जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसको लेकर आज मूंदी में सभी नागरिकों ने अपना जनता कर्फ्यू का पालन किया है। मूंदी के बस स्टैंड पर सभी दुकानें बंद हैं। माता चौक में सभी दुकानें बंद, जनता की जरूरतों को देखते हुए मेडिकल और क्लिनिक खुले दिखाई दिए हैं। मूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। धार जिले के नालछा में कोई भी बच्चा सड़कों पर नजर नहीं आया। मेडिकल स्टोर ही आवश्यक सेवाएँ दे रहे हैं, परंतु वह भी खाली बैठे नजर आए। नालछा पुलिस प्रशासन ने जनता कर्फ्यू को देखते हुए हर जगह पुलिस जवानों की ड्यूटी लगा रखी थी। HJ24 न्यूज़ ने कुछ घरों को खुलवा कर चर्चा की और मेडिकल पर जाकर भी चर्चा की। हर कोई कोरोना के बारे में चर्चा कर रहा था। लोगों ने कोरोना के विषय में काफ़ी जागरूकता आ रही है, सभी मास्क का उपयोग कर रहे हैं। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। सिवनी जिले के सभी ग्रामों में बंडोल थाना के स्टाफ ग्राम में पहुंचकर ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी। सिवनी में कोरोना के कहर से बचाने के लिए सिवनी जिले को 25 तीन 2020 तक लॉकडाउन किया गया। सिवनी से महफूज अंसारी के साथ जाजिल खान की रिपोर्ट। पन्ना जिले में कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि जिले में प्रवेश करने वाले और बाहर आने जाने वाली बसों को बंद रखा जाएगा। आपसे आह्वान किया जाता है कि दूध, सब्जी, किराना, दवाई जैसी अत्यधिक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी व्यवसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। अपने घरों में बाहर ना निकले। इस जनता कर्फ्यू को अगले 2 दिन अर्थात 23 और 24 मार्च को भी निरंतर रखने का कष्ट करें। लोकहित में धारा 144 को सख्ती से आगे भी लागू करने के प्रशासन की मदद करें। शाहनगर से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। पीतमपुर एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, जहां पर इंदौर और धार के वर्कर काम करते हैं। यहां पर कई कंपनियां हैं जो कोरोना वायरस के चलते 3 दिन के लिए कलेक्टर के आदेश पर बंद कर दी गई है। इसी के चलते पीतमपुर में कई सामाजिक संगठनों ने मास्क बांट कर लोगों की जागरूकता लाने की कोशिश की है। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। विदिशा जिले के पठारी में कोरोना वायरस का असर नगर और क्षेत्र में भी नजर आ रहा है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन और पुलिस सख्त नजर आ रही है। वहीं लोग भी जमकर सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बाहर से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। लगातार 2 दिन से पठारी क्षेत्र लॉकडाउन नजर आ रहा है। जनता कर्फ्यू और जिले की सीमा को लॉकडाउन करने का असर पठारी के अलावा छोटे छोटे गाँव में भी दिखाई दे रहा है। प्रभारी तहसीलदार CK ताम्रकर और थाना प्रभारी महेंद्र शाक्य ने दल बल के साथ नगर के मुख्य मार्गों को से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के माइक से जानकारी देते हुए गश्त किया। वहीं पठारी के समीपस्थ जिला सागर की सीमाओं के मुख्य मार्गों में चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। खरगोन जिले में आज 2रे दिन रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने के लिए आमजन सड़कों पर दिखाई दिया। इस दौरान शासन के मनसानुरूप सब्जी, किराना सहित मेडिकल प्रतिष्ठान खुले दिखाई दिए। लिहाजा 2रे दिन फल फ्रूट की दुकानें सस्ते देख प्रशासन हरकत में आया और दुकानों को तत्काल हटवाया गया। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर हिदायत दी गई है कि शासन की मनसा के अनुरूप अतिरिक्त दुकानें बंद रहेगी। बहरहाल कोरोना वायरस महामारी ने गरीब मजदूर लोगों की कमर तोड़कर रख दी, जिसमें आमजन को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जो है उसको देखते हुए लालछा में पूर्ण रूप से बंद रखा गया और जनता कर्फ्यू लगाई गई है। और हम कोरोना वायरस के बारे में कि उससे क्या सावधानी रखना चाहिए, सावधानी के बारे में हम डॉक्टर महेश यादव से जानेंगे। कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस है। आज से पूरा लालछा नगर बंद रहा, सब अपने घरों से बाहर नहीं निकले। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लालछा पूरी तरह बंद रहा।
ये एक दूसरे के संपर्क में आने से ये वाला वायरस फैलता है। अपन अपनी सावधानी अपन खुद रख सकते, अपन को सिर्फ मिलना नहीं है, अपन को घर में ही बैठे रहना है, बाहर नहीं निकलना है। सब अपनी दुकानें बंद रही, आज पूरी तरह गांव बंद रहा। आज आप थोड़ी झलक देख लीजिए, आप घर दिखाता हूँ, देख लीजिए दुकानें सब पूरी तरह बंद है। इसी तरह सब दूर देखने को मिल रही है, बस स्टैंड पर भी, चप्पे चप्पे भी, प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। बस इससे मिलना, एक दूसरे से मिलना कुछ नहीं होना है। और कोई उपाय ऐसे जिसे रखने उपाय करने से जो संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है? मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखें, जहाँ भी जाना है मुंह पे मास्क लगा के रखना है, हाथ अपने डेटॉल से धोना है, अच्छी तरह साफ करना है। यही रोकथाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा डरना नहीं, बीमारी से डरना नहीं, बचना हो। जिस तरह हमारे साथ डॉक्टर महेश यादव थे, इन्होंने बताया है कि बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है और सतर्क रहना है। और जब भी हम घर में जाएं, उससे पहले हमें डिटॉल से अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करना है, उसके बाद ही घर में किसी दूसरे काम को करना है। और सतर्कता पूरी तरीके से बरतेंगे तो ये जो बीमारी है कोरोना वायरस ज़्यादा फैल नहीं पाएगा। तो उसको जो आप तत्काल निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उनको सूचना दें और हमें भी सूचना दें, ताकि हम उसको समय पर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में उसका चेकअप करा सकें। अगर वो उसको साधारण स्थिति में है या कोई किसी प्रकार की भी उसको संक्रमण बीमारी अगर पाई जाती है तो उसको उचित उपचार किया जा सके, या फिर जो बाहर से आए लोगों को घर में ही आइसोलेटेड कर सकें, वो चिकित्सा विभाग की टीम उसको निर्धारण करेगी। मेरे बखारी की जनता और आसपास के जितने सब ग्रामवासी, उनसे अनुरोध है कि वर्तमान में कोरोना वायरस को लेते हुए सरकार और सभी अधिकारी लोगों के जो वरिष्ठ निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अक्षरशः पालन करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी अभी निर्देश दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब वगैरह, उनसे स्वास्थ्य संबंधी और जानकारी प्राप्त करें। जैसे सर ने बताया अभी आपको कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, सबसे पहले तो सूचना देना है स्वास्थ्य विभाग में, आपको भी देनी है। और आप सभी लोग जन सामान्य को मैं आग्रह करता हूँ सबसे कि अपने हाथ बार बार साबुन से धुलते रहें। ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप फैला हुआ है, इसका उपाय सावधानी ही है। और आपसे आग्रह है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, और इकट्ठे व्यक्ति खड़े ना रहें, घर पे ही रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक हो तभी आप घर से निकलें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। इसी में ही ये बचाव ही है, तभी अपन इसको खत्म कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आए हुए हैं अभी नागपुर से आपके यहाँ चेकअप के लिए, जी हाँ, उसमें से सभी स्वस्थ हैं? अभी तो स्वस्थ हैं, बस कुछ लोगों को सर्दी है बस। कितने लोग आए सर? लगभग 6 लोग आए हैं, तो उनका अभी चेकअप चल रहा है। और जहाँ तक है कि वो लोग सामान्य हैं। वो रहने वाले कहाँ के? आपके पास के ही गाँव, 4 गाँव के ही। सर ये क्या व्यवस्था है यहाँ पे? वो कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं कलेक्टर सर, एसडीएम सर के आदेश अनुसार। और जो भी गाड़ी आ रही महाराष्ट्र और गुजरात से, जो बाहर अदर स्टेट से आ रही है, उसकी स्क्रीनिंग करके सर्दी खांसी ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है ऐसा चेक करके हम उसको रिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज जो है उसको वापस भेज रहे हैं, और ऐसा कोई पाया जाता है उसको मेडिकल हॉस्पिटल में भेज के अस्पताल की सुविधा। सर
क्या नाम लिखते हो? मैं नायब तहसीलदार राकेश। राज्य शासन के द्वारा महामारी घोषित किया गया है, जिसके अगेंस्ट में माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 22 तारीख को जिले का लॉकडाउन घोषित किया है। क्योंकि एक संक्रमित वायरस है और ये संपर्क में आने से ही संक्रमण होता है पब्लिक प्लेसेस पे लोगों का एक दूसरे से, तो इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए, लोगों को आपस में संपर्क ना हो, इसके लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि 25 तारीख को रात 12 बजे तक अभी वर्तमान में जो आदेश हुआ उसके अनुसार प्रभावी है, और लॉकडाउन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। लोग अपने घर में ही रहें, सेफ रहें। जिले की समस्त सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसी व्यक्ति का जिले के अंदर आना और बाहर जाना अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित है। जिले के समस्त शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय इस आदेश के अनुसार बंद कर दिए गए हैं। कुछ आवश्यक व्यवस्थाओं वाले विभाग हैं, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेलवे आदि, इनको इससे मुक्त रखा गया है। जो लोगों से जुड़ी हुई आवश्यक चीज़ें हैं, इनमें मेडिकल, हॉस्पिटल, फल सब्जी, खाद्य सामग्री, दूध, पेट्रोल पंप, ATM आदि प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान टोटल बंद रहेंगे। और जो आवश्यक वस्तुओं सेवाओं वाले जो प्रतिष्ठान हैं वो भी दोपहर में 3 बजे तक उनको बंद रहना है, खुला रहना है, उसके बाद वो भी बंद कर दिए जाएंगे। उक्त प्रतिबंध में लॉकडाउन के दौरान जो इमरजेंसी ड्यूटीज वाले हैं उनको शिथिलता दी गई है, उन्हें अपने साथ अपना ID कार्ड रखना है तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इसमें दूध बांटने वाले, न्यूज़पेपर के हाकर सुबह 6:30 बजे तक 9:30 बजे तक लॉकडाउन के दौरान इनको शिथिलता दी गई है। रोगी वाहन, मृत शरीर परिवहन कर रहे वाहन को भी इससे शिथिलता दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों का भी प्रवेश और निकासी जारी रहेगी। धार जिले में 24, 25 और 26 तीन दिन सिविल लॉकडाउन रहेगा। इसमें मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने ही घर में रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे जिले में जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसकी कोई कमी नहीं है और कमी आने नहीं देंगे और सब अवेलेबल रहेगा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अवधि में कोई भी अनावश्यक बाहर घूमते ना पाए जाए और अनावश्यक घूमते पाए जाने पर कार्रवाई हो। का नालछा में पूर्ण समर्थन दिखा है और हम नालछा के समाज सेवी चंद्रशेखर कुशवाहा जी से जानेंगे आज के जो जनता कर्फ्यू लगा है उस बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने ऐसी महामारी कोरोना जिसको रोकने के लिए भारत के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की, अर्थात हमारा सामाजिक दायित्व, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है इस विषाणु को रोकने के लिए कि हम आपस में कम मिलें, और इसके लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। नालछा और नालछा के आसपास के सभी नागरिकों में इसकी अवेयरनेस, जागरूकता दिखी। लोग यहाँ पर आए नहीं और पूरे नालछा के नगरवासियों ने उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया। यह हमारे आत्मावलोकन का दिन भी है। हमारी संस्कृति जिस प्रकार से हमें नमस्कार करने का और स्वच्छता का संदेश देती आई है उसी का स्मरण करने का भी दिन है, और बहुत ही अच्छा यह भविष्य के लिए पूर्वानुमान बहुत अच्छा मोदी जी ने लगाया और इससे बहुत सारा परिवर्तन आएगा। सभी जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।